हेलो एवरीवन, तो मैं आज आपको बता रहा हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो आज आपका पेपर हुआ है जिसका कोड है आपका 89 और ये है आपका सेट 4। तो आई होप कि आपको सबको सेट 4 मिला होगा और कोड नंबर आपका 89 ही होगा। अगर आपका दूसरा सेट है तो आप मुझे मेरे जीमेल पर आप मुझे मेल कर देना, मैं उसका भी आंसर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी का आंसर की। ओके, आप सभी जो है अपना आंसर मैच कर लीजिएगा, मैं आपको सभी क्वेश्चंस का मैं आपको सबका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलिए आप मुझे कमेंट करके भी जरूर बताना कि आपने कितना जो है वो सही किया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, द फाइल नेम एंड फाइल नेम एक्सटेंशन आर सेपरेटेड बाय। तो फाइल नेम का जो आपका एक्सटेंशन होता है उसको किससे हम लोग डिनोट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, डॉट। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स इंटरचेंजिंग मैसेजेज ओनली थ्रू इमेजेस और पिक्चर्स। ये मैंने कल आपको जो पीडीएफ फाइल अपलोड किया था उसमें आपका ये क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया था। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विजुअल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, डैश इज द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज वंस वन इमोशंस एज वेल एज द इमोशंस ऑफ अदर्स। ये भी मैंने आपको कल जो पीडीएफ दिया था उसमें भी आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इमोशनल इंटेलिजेंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश इज द ड्राइविंग फोर्स दैट पुशेस अस टू अचीव आवर गोल्स, फील हैप्पी एंड इम्प्रूव आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ओके, तो एक आपका ये क्या हो जाएगा आपका इसमें सेल्फ मोटिवेशन, खुद से मोटिवेशन होना काफ़ी जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल क्वालिटी टू बिकम अ सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर। एक सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या चाहिए, तो उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्रिएटिविटी होना चाहिए और पैसेंस भी होना चाहिए। वेल्दी होना कंपलसरी नहीं होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा, वेल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, आपका ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसका आंसर बता देता हूं, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 17। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो 2 नंबर में है यहां पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स अलाउज वन टू अप्लाई अ ग्रुप ऑफ फॉर्मेट्स एट द सेम टाइम। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्टाइल्स। ओके, नाउ मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सा क्वेश्चन जो है वो गलत किया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको क्लास 11 का भी मैथ्स आपका स्टार्ट होने वाला है जल्दी ही। चलिए, इन राइटर्स स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर डैश मेन्यू। तो फॉर्मेट मेन्यू हो जाएगा इसका आंसर। ओके, तो राइटर स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग जो ऑप्शन होता है वो किस में होता है, फॉर्मेट मेन्यू में होता है, कंप्यूटर में आपने देखा होगा। जो थर्ड नंबर है आपका, थर्ड नंबर का मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, होल्ड डाउन द कंट्रोल एंड शिफ्ट की वाइल ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग द इमेजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, रिसाइजिंग अ डैश मे बैडली अफेक्ट द रिजोल्यूशन ऑफ एन इमेज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रास्टर इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इन राइटर यू कैन क्रिएट योर वॉन टेम्पलेट इन डैश वेज। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। ओके, 2 ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को चेक करते हैं, इन राइटर डैश फंक्शंस की इज यूज टू सी द डाटाबेस वाइल इंप्लीमेंटिंग मेल को मर्ज करने के लिए हम लोग, मर्ज मतलब मिलाना, तो मर्ज करने के लिए हम लोग कौन सा की का यूज़ करते हैं, तो F4 का यूज करते हैं, फंक्शंस 4, F4 की का हम लोग यूज करते हैं जो कीबोर्ड में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं, कमेंट करके जरूर बताना आपने कितना सही किया है। चलिए 3 नंबर है आपका ये, वाइल कंसोलिडेटिंग डाटा अ सेल रेंज कैन बी नेम्ड यूजिंग डैश ऑप्शन। तो डिफाइन नेम हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 2 को चेक करते हैं, आप ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, मैं आंसर बता देता हूँ आपका, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा, ट्रैक चेंजेज। ओके, नेक्स्ट थर्ड नंबर को चेक करते हैं, डैश इज अ मोर एलोबरेट फ्रॉम अ गोल सीक। तो सॉल्वर हो जाएगा, ये आपको मैंने कल जो पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कराया था उसमें ये क्वेश्चन दिया गया था। ओके, अगर आपने डाउनलोड करके पढ़ा होगा तो आपने ये जरूर किया होगा। चलिए 4 नंबर को देखते हैं, माइक्रो फंक्शंस कैन बी रिटर्न अ बिहेव एज रेगुलर फंक्शंस बाय राइटिंग डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एड इन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को चेक करते हैं, डैश ऑप्शन ऑफ अ कॉल हेल्प्स इन व्यूइंग द चेंजेस मेड टू अ वर्कशीट यूजिंग अ ओरिजिनल एंड एडिटेड वर्कशीट। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडिट कंपेयर डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को, 6 में है देखिए, यहाँ पर आपका दिया गया है, इन कॉल शेयर्ड वर्क बुक्स अलाउ। तो इसका जो आंसर है ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को चेक करते हैं, देखिए यहाँ पर बोला गया आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन, 6 में से आपको 5 का आंसर देना है, मैं आपको 6 का 6 आंसर आपको बता दे रहा हूँ, आप मैच कर लेना। ओके, इन ओपन ऑफिस बेस द रिलेशनशिप अप्लाइड ऑन द टेबल्स कैन बी रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ डैश ऑप्शन।
तो हो जाएगा आपका डिलीट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, डिलीट ऑप्शन का हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका इन SQL द कीवर्ड टू डिस्प्ले रिकॉर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, तो हम लोग ASC का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ASC। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर होगा। कमेंट करके बताना आपने कौन सा आंसर को मार्क किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड को चेक करते हैं। डैश इज ए न्यूमेरिक डाटा टाइप विच कैन स्टोर येस और नो टाइप वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ जीरो और वन इन ओपन ऑफिस बेस टेबल। देखिए, न्यूमेरिक डाटा टाइप को हम लोग बनाने के लिए हम लोग जो ओपन ऑफिस बेस का टेबल का जो यूज करते हैं जीरो और वन में, उसमें हम लोग कौन सा यूज करते हैं? चार का यूज करते हैं या फिर अदर सब्जेक्ट का या बाइनरी का या फिर बुलेन का। तो इसमें जो है ना हम लोग बुलेन का यूज़ करते हैं। किसका यूज करते हैं? बुलेन का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका सही होगा। ओके, ये क्वेश्चन पेपर मुझे जिस स्टूडेंट से मिला है ना, उन्होंने सारा क्वेश्चन को सही मार्क किया है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका सही होगा, बुलेन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर को चेक करते हैं। फोर में है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिट्राइव्स जीरो और मोर रोज फ्रॉम वन और मोर डाटाबेस टेबल्स और डाटाबेस व्यूज, तो सेलेक्ट ऑप्शन। ओके, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही होगा, सेलेक्ट ऑप्शन का हम लोग यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट को हम लोग चेक करते हैं। नेक्स्ट में है आपका फाइव नंबर। देखिए, फाइव नंबर में है आपका, इसमें है रोशनी हैज़ क्रिएटेड अ टेबल कस्टमर इन SQL एंड वॉन्ट्स टू स्टोर फोटोग्राफ इमेज ऑफ एवरी कस्टमर अंडर कस्ट फोटो फील्ड, सजेस्ट अ सुटेबल डाटा टाइप फ्रॉम दी ऑप्शन गिवन बिलो। तो हम लोग लॉन्ग वाइब्रेनरी का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है ना आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स को। बाय डिफॉल्ट ऑल द फील्ड्स इन ओपन ऑफिस बेस विल हैव डैश डाटा टाइप, तो इसका आंसर हो जाएगा टेक्स्ट वर्चर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव को चेक करते हैं। देखिए, यहाँ पर फाइव नंबर में आंसर एनी फाइव आउट ऑफ द गिवन सिक्स क्वेश्चन, छः में से पाँच का आंसर देना। मैं छः आपको बता देता हूँ, आप सारे क्वेश्चंस को मिला लीजिए। ए और डैश इज अ डिस्कशन स्टाइल वेबसाइट सिमिलर टू एन ऑनलाइन पर्सनल डायरी यूज फॉर क्रिएटिंग पर्सनल वेब पेजेस। देखिए, हम लोग पर्सनल डायरी के फॉर्म में और पर्सनल वेब पेजेस के फॉर्म में हम लोग किसका यूज करते हैं? तो ब्लॉग का यूज करते हैं, जो ब्लॉग पेज हम लोग बनाते हैं गूगल में। ओके, गूगल का अपना वेबसाइट होता है ब्लॉग, तो ब्लॉग पेज में जो हम लोग अपना पर्सनल डायरी बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड नंबर। देखिए, सेकंड नंबर आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, मैं आंसर आपको बता देता हूँ। ओके, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर होगा, इवैक्यूएशन ड्रिल हो जाएगा इसका आंसर। थर्ड नंबर को हम लोग चेक करते हैं। थर्ड नंबर में जो है आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो स्टिकी कीज हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर को। तो देखिए, फोर नंबर में यहाँ पर क्या बताया गया है? नेटवर्क इन विच ऑल कंप्यूटर्स हैव इक्वल स्टेटस इज कॉल्ड डैश, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। ओके, ऑप्शन नंबर ए जो है ना, पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर जो है इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव को चेक करते हैं। डैश आर टेक्स्ट फाइल्स विद अ स्मॉल पीसेस ऑफ डाटा लाइक अ यूजर नेम एंड पासवर्ड, तो कुकीज का यूज करते हैं हम लोग। ओके, लाइक अ यूजर नेम एंड पासवर्ड के फॉर्म में किसका यूज करते हैं? स्मॉल पीसेस के फॉर्म में, तो कुकीज़ का यूज करते हैं। कुकीज़ आर द टेक्स्ट फाइल विद अ स्मॉल पीसेस ऑफ डाटा लाइक एम यूजर नेम एंड पासवर्ड, कुकीज़। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपका। DSL स्टैंड्स फॉर, DSL का फुल मीनिंग आपको लिखना था, तो आपने तो पढ़ा ही होगा, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर होगा। उसके बाद सेक्शन बी है आपका, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जो कि आपको लिखना था। काफ़ी इजी क्वेश्चन दिया गया है यहाँ, आई होप आपने लिखा ही होगा सारा क्वेश्चंस। ओके, तो मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन आपको नहीं बताऊंगा, तो मैंने आपको सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बता दिए। कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कितना जो है सही मार्क्स किया है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको CBSE का जो रिजल्ट आने वाला है उस रिजल्ट से रेगुलर मैं अपडेट आपको देता रहूंगा। और क्लास 11th का मैथ जो है इस चैनल पर जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।